कुछ बड़ी कंपनीज है, अमेजोन ले लें, उसका जो एक अकेला पर्सन है उसकी वेल्थ 124 बिलियन US डॉलर्स है नेट वर्थ, मतलब ये कि ये उसका पैसा है, और ये वो पैसा है जो उसने शो करवाया। वो पैसा किधर है जो वो शो नहीं करवा रहा? ये तो वो एसेट्स हैं जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं हर हाल में, दे हैव टू डू इट, दे हैव टू डू इट, अदरवाइज ये सारा बाकी जो माल है वो किधर छुपा हुआ है अल्लाह आलम, किस फॉर्म में है? गोल्ड की फॉर्म में है, बिटकॉइंस की फॉर्म में है, ये जो आज की एक नई मनहूस नहुसत आ गई है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह सब कुछ थिन एयर, पता ही कुछ नहीं है, फास्ट एंड लूज क्या हो रहा है कुछ पता ही कुछ नहीं, जो दिल में करी जाओ, मैनिपुलेशन करी जाओ, पता ही कुछ नहीं। ये सारी अभी चंद लोग हैं, बिल गेट्स हो गया वगैरह वगैरह। आप नोट करें कि जो कैपिटलिज्म की मनहूस तरीका है, जो यहूदियों ने प्रॉमिसरी नोट जो है पेपर करेंसी से आगाज किया, इसकी कोई समझ ही नहीं आएगी आपको, आपको कभी भी समझ नहीं आएगी कि ये असल में सारा मामला क्या है। ये जो मैंने एक बयान दिया था प्रैक्सिस ऑफ हेजेमनी, ये जो पूरा ऊपर से पिरामिड चलता है, पहले टॉप कौन लोग हैं जो बैंकर्स हैं, फिर आगे रूलर्स आते हैं, फिर ब्यूरोक्रेसीज आती हैं, फिर वगैरह वगैरह मिलिशिया आती है, बहुत जाके एंड में जाके बेचारे ना 3 ना 13 में गरीब लोग आते। ये प्रैक्सिस ऑफ हेजेमनी का जो पूरा ये जो पिरामिड है, इसको एक जो है ना कहते हैं ना कि वो जो स्टिक थी उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की स्टिक पड़े, ये सब खत्म हो जाएगा। और इस्लाम का वो जो पॉलिटिक सिस्टम है, इकोनॉमिकल सिस्टम है, सोशल लॉज हैं, उसको इंसान आज का जो है ना कैपिटलिस्ट जो समझ गया, वो नहीं चाहता कि ये दुनिया में कहीं भी किसी भी छोटे से खित्ते में भी ये अप्लाई हो जाए। लेंथ इन आर्म्स, फासले में रखो, ये सारा इस्लाम का सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम लगाए रखो, इनको हाल मस्त माल मस्त सूफी बना दो, सिर्फ इबादात में लगाए रखो, राइट्स एंड रिचुअल्स में लगाए रखो, ताकि इनको पता ना चले। जो थोड़ा अमीर है उसको को बैंक में पैसा रखे अपने सेविंग अकाउंट्स में, वो जो है वो डबल होता जाएगा, डबल होता जाएगा। मैसर मैसर वलंसाब वलजलाम रिजसुम मिन अलअमल अलशैतान फजतनी बूहू, अल्लाह कहते खबरदार बाज आ जाओ, सूरत अलमाईदा चैप्टर 5:90 में, कि ये सारे रेजिस मिन अमल अल शैतान है, ये गैम्बलिंग, ये डिविनेशन बाय एरोज, ये मैसर स्पेकुलेटिव मनी, ये सारा जो आप जो जो है तुक्केबाजी, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, या मैसर का माना है कि बगैर कोई काम किए पैसा कमाते हैं, PRP जो नहीं है, जिसमें परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, अगर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे नहीं है और आप कमाई जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं, ये सारा मैसर है, ये सारा हराम की कमाई है, इसकी अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू नहीं।